नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक एलईडी आई है। दोस्तों, ग्राहक लाया है। इसमें दोस्तों, जैसे ही हम इस टीवी को चालू करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या समस्या आती है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी जान पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों, हम इस टीवी को ऑन करते हैं, ऑन करते ही दोस्तों जैसे ही टीवी चालू हो जाती है, तो इसमें तो दोस्तों स्क्रीन तो बढ़िया आती है, तो लेकिन दोस्तों समस्या है दोस्तों, जैसे ही दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे ही आप वॉल्यूम का ये हमारा बिल्कुल आवाज़ डाउन हो जाती है, जैसे ही हम चालू करते हैं तो आवाज़ डाउन हो जाती है। तो इस समस्या को आप कैसे सही करेंगे, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एलईडी को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस एलईडी की कुछ सॉकेट होंगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये वॉल्यूम सॉकेट, उन सभी सॉकेट को आप को चेंज कर देना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग जैसा हम चेंज कर रहे हैं, इस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा देना, जिससे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाए। जैसा कि दोस्तों हमने से यहाँ पर सभी बटनों को चेंज कर दिया है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इनमें सबसे पहले आपको इस तरह सभी बटनों को एक साथ डाल देना होगा। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सोल्डर लगा देना होगा। जैसा कि दोस्तों आपको दोस्तों घर पर ही आप लोग बना सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, दुकान पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही अपनी टीवी को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकेंगे। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर सोल्डर लगा देते हैं, इस प्रकार की समस्या दोस्तों आपके साथ आती है तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस छोटी मोटी सी की कमी के लिए किसी दुकानदार के पास ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, दुकानदार आपसे 300-400 रुपये हाल ले लेगा। ये आप जानते ही हैं, एलईडी टीवी में तो इतना पैसा लेने में कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को घर पर ही यह समस्या सही कर सकते हैं। आप घर पर एक चार्ज ला सकते, एक आयरन लेना होगा आपको, आयरन से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से टीवी को सही कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमने इन सभी इसको डाल दिया, तो अब मैं आप लोगों को इसे चालू करके दिखाता हूँ। जैसे ही दोस्तों हमने इसे चालू कर दिया है, लाइट लगा दी है, तो अब देखते हैं दोस्तों यह बिल्कुल सही हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अब अगर आप लोग चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे बिल्कुल हमारी टीवी ओके हो चुकी है। तो जैसा कि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे थे नहीं बढ़ रहा था दोस्तों, बिल्कुल डाउन ही रह रहा था। अब दोस्तों हमारी टीवी बिल्कुल ओके हो चुकी है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। Bajaj Almond Drops Moisturizing Soap. Just may almond oil or vitamin E. Banana skin, it's soft.